हाँ हदीस भेज का दिया भेज मजाक दिया उड़ाने वाले। हाँ भेज दिया भेज दिया। क्या बोल रहे हैं? ये हाँ तो हदीस ये हदीस किस्सा सुधा का काफिर मजाक, है। क्या ये सुनो हदीस यार, का मजाक उड़ाते हैं सबसे बकवास मत पहले। करो, बकवास मत करो तुम। हाँ सुनो रुको, सुनो, मुझे किस्सा अहमद सुधा सदा काफिर के है, मेरे बारे में पास है बता तो दीजिए। सुनो हाँ सुनो सुनो सुनो। हाँ एक काम करें, दो दो मिनट सही कर दीजिए। ठीक ठीक है आपको अरे दो यार, ये किस मिनट। गधे को हम तुमने ले हकम लिया? बोले। इसे अरे इसे कट करो, इसे कट करो, इसे बात कट करो, अब बात इसे कट हाँ करो, कर इसे मत कट कर। करो। हाँ हाँ अब हकम रहे हैं, दो जी मिनट जी जब हो जाएगा ना आप खामोश जी कराने का, ठीक है? उसको दो मिनट ना ना, बोलने ये दें। नहीं, ये नहीं, ये ठीक गधे ठीक को ठीक क्यों है दिया ठीक है तुमने? हाफिज़ डरो ठीक मत, है। डरो मत, डरो मत, डरो मत। तुम नहीं इधर उधर भागोगे? नहीं, दो मिनट तय कर लेंगे, भागेंगे नहीं। मैं हैं? हाँ तुम्हारा जवाब दूंगा मैं। हाँ तो इस पे ही बात करना तुम। चलो, मैं फिर से एक काम हाँ करो, इसका इसका जवाब मेरी दो, बात इसका आने जवाब दो, दो, आप मेरी बात सुनो। जो लिखा हुआ है इसका अरे जवाब अरे दो। पहले पहले हाँ शरायत, हाँ पहले शरायत सुनो, पहले शरायत सुनो। हाँ दो बोलो मिनट आप बोलो बोलो बोलेंगे ठीक मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। है। मैं जो हाँ बोलूंगा अपनी बारी में बोलूंगा, आपके बीच में बोलूंगा नहीं, ठीक है? अच्छा और अगर इधर उधर सुनो, हटके बात करी खामोश रहो, खामोश रहो, तो फिर खामोश मैं रहो। बीच में बोलूंगा। अगर इधर उधर हटके बात करी तो नहीं बीच नहीं में नहीं नहीं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। जो बोला अपनी बारी क्यों में, इधर मतलब इधर उधर हटके हाँ बात इतना करोगे? इतना बोल सकते हो कि भाई इबारत पढ़ो, किताब का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है, ठीक है? जो बोलना अपनी बारी में बोलना। अगर मौजूद के खिलाफ मैं गया, ठीक है, तो आप शिकस्त ऐलान कर देना, बराबर, हाँ ठीक है? ठीक और आप मौजूद के खिलाफ गए, मैं शिकस्त ऐलान करूंगा। लेकिन अगर है तर्जुमा की जी। बात है, तर्जुमे में बात करो, तर्जुमे से हटूंगा नहीं, पहली बात। दूसरी हाँ बात तो यह है, सुनो आप दो सुनो यार, तीन शराय, तीन शराय। दूसरी बात यह है, दो मिनट आप, दो मिनट में दूसरी हो गई। तीसरी बात यह है, आपका जो एतराज होगा, अगर आपका एतराज आपके मजहब के मौलवियों के उसूल के खिलाफ हुआ, आपकी शिकस्त होगी, ठीक है? हो गया। हाँ तैयार ना, तीन शर्त मानते हैं ना? हाँ सर, हाँ ठीक है। अब मेरी शर्त हजरत सुन सुनो। लिया आपने? जी, मैं जो सुन रहा मौजूद हूँ। मेरी पेश करेगा उसके मसले के उसके खिलाफ अगर मेरी हुआ, एक हाँ शर्त है, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त हाँ है। बोलो बोलो। आप जो मैं किताब पेश करूंगा आप हाँ उसी पर ही जवाब देंगे, तो उधर नहीं जाएंगे ठीक है ना? आप मेरी शरारत बाद मान में लें जो ना है, आपने? दूसरी तीसरी किताब पेश करेंगे, पहले नहीं, आप उस बात किताब नहीं, पे बात करेंगे जो आपने हमने शरारत मान जवाब लिया पेश ना करी मेरी? है। मैंने आपकी शराइत मान ली। हाँ ठीक है, चलो मैं आपके मेरे शरायत के खिलाफ आप नहीं जाएंगे तो मैं मानूंगा, ठीक तो है? मैंने क्या बोला उसको, कबूल किया आपने? मेरी शरायत के अगर अंदर आपकी शरायत है तो मैं मानूंगा। आपने शरायत में तस्लीम कर लिया ना कि आपका दावा, तो आपका मौजू, आपका एतराज अगर आपके मसलक के उसूल के खिलाफ हुआ, आपकी शिकस्त होगी, आपने मान लिया है। अब जो भी किताब पेश करें आप, मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी शरायत जो आपने मानी है उसके खिलाफ, आपके उसूल के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चले दावा पेश करें, दावा पेश करें। जी, ये किताब है आपकी, किसस उल अकाबिर। लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी। ये लिखते हैं कि एक साहब मियाँ बहुत पूछा करते थे, तो अशरफ अली ऊपर थानवी साहब, अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि से इबारत पढ़े मुकम्मल। तुम्हें बैतुल खलत नहीं पढ़ना हूँ, पढ़ना हूँ तुम्हें बैतुल खलत की नियत मालूम है, मैं बताऊँ? फिर आगे बैतुल खलत की नियत लिखते हैं, या नहीं, ये अय्युहन वाकया नफरत किसका बयान, लोटा। किसका वाकया बयान कर रहे हैं, वाकया किसका बयान कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? ऊपर से ऊपर से पढ़ो आप, खाली वहां से मत पढ़ो, एक मिनट पढ़ रहा हूँ, ऊपर से पढ़ पढ़ो। हाँ हजरत, दो मिनट देखना आप, हजरत दो मिनट देखना आप। साहब। मैं आपसे काउंटिंग करूँ या मतलब हाँ, शुरू एक करूँ? साहब नियत बहुत पूछा करते थे ठीक हाँ है ना, हाँ एक साहब नियत बहुत पूछा करते थे। चले। उनसे कहा कि तुम्हें बैतुल खला की नियत मालूम है, फिर आगे लिखते हैं कि या अय्युहन्ना फर्रक लोटा दर्रक फी मकामिल जर्रक वल टर्रक। मुकम्मल ऊपर से हाँ ऊपर से ही पढ़ा है, क्या कर रहे थे? नहीं, जहाँ से हाईलाइट है। ये दुआ जो है ये कुरान के किस 30 पारों की आयत मैं में पूछ है रहा हूँ या कि किस ऊपर हदीस में से है, आप ही बताएं। हैं, ऊपर से पढ़े ना, ऊपर से पढ़े ना, मैं आपको पढ़ने बोल रहा हाँ हूँ। तो शराइत के अंदर की बात कहाँ है? यार, पूरी पूरी किताब पढ़वाओगे क्या अब? नहीं, जहां से मुकम्मल वाकया लिखा, वाकया मुकम्मल पढ़ो। जहाँ हाँ जहाँ हाँ तो ये वाकया है, पूरा वाकया है ये जो मैंने पढ़ा। तो पढ़े ना आप, ऊपर से पढ़े ना। मैं आपका जो ऐतराज है आप बताओ मुख्तसर। एतराज करूंगा आपका दावा, मैं एतराज हाँ करूं? तो आप बताओ ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप अरे मैं जो इबारत अभी तक पढ़ी आप नहीं अपने कह रहे मुकम्मल हो ऊपर ऊपर से। से नहीं पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, मैं ऊपर से पढ़ूंगा फिर आप पाओगे और ऊपर से पढ़ूंगा। नहीं ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, आप जहां से वाकया आप बयान कर रहे हैं। वाकया नंबर कितना है ये? अभी एक मिनट में बता, तो आप भेज दें उनको, उनको भेजें या मुझे भेजें? मेरे आप पास मुझे एक ही भेजें, पेज है, आप मुझे भेजें। हाँ इसका दूसरा पेज नहीं है। हाँ भेज रहा हूँ ठीक है ना। पढ़े ऊपर से। ठीक
ये यहाँ से जहाँ से मैंने पढ़ा है बस यहीं से है, ठीक है ना, बाकी वो दूसरे पेज में है, दूसरा पेज है नहीं मेरे पास। हाँ नहीं, बड़े ऊपर से पढ़े, एक कॉल किसके नकल कर रहे हैं, वाकया किसका है, कौन बयान कर रहे हैं, मुकम्मल पढ़े आप। एक किसी का कॉल नकल कर रहे हैं हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। जब भी इतराज करना हो अमीरुल साहब जब भी इतराज करना, मुकम्मल मुकम्मल वो वाकया पढ़ के आओ कि किसका नकल कर रहे हैं वाकया। हाँ इस तरह वो पेज निकाल लेता हूँ, पेज निकाल हजरत, दो मिनट हो गए इनसे, एक सेकंड हाफिज साहब। हाँ हो गए हो गए, अभी मैंने पढ़ाई कहाँ है, आपकी जिम्मेदारी ना, आप निकाला क्यों नहीं हवाला, आपने हवाला क्यों नहीं, इनके दो मिनट हो गए, भेजो हैं, हाँ भेज दो, भेजो, हाँ भेजो, मेरा नंबर है आपके पास, मेरे पास फ्रंट पेज भी है और वो पेज भी है जहाँ पे वो क्या कह रहे हैं भाई, जोर से बोले यार आवाज, मेरा नंबर आपके पास है, आपका नंबर पता नहीं शायद, नहीं किसको भेज रहे हो आप, मैंने अब्दुल्ला इनको भेजा, अब्दुल्ला हजरत आपको, आप मुझे भेजें, एक सेकंड अभी देखो क्या करते हैं हालात इसके में। ये लेके आया है, रुको रुको अभी कुछ मत बोलो, जब स्कैन जब हम हाफिज साहब को भेज देंगे जब बोलो। हाँ तुम बात नहीं कर सकते, तुम्हारी फट रही है, बोलो हाफिज साहब, भेज दिए, नहीं नहीं थोड़ा मेरा नेट स्लो है, मैं हाफिज साहब को भेज रहा हूँ, और कॉल कर रहे तो ऐसे और नेट बहुत स्लो हो जाता है। हाँ डाउनलोड हो रहा है, मैं भेजता हूँ हाफिज साहब को, उसके बाद में बोल रहा हूँ जी। मैं एक काम करता हूँ, पहले का पेज भी निकाल के देता हूँ, ठीक है ना। नहीं जब अभी भागो ना, भागो मत, अरे तो तुम ही भागो मत, अरे भाई आप ही तो कह रहे हो कि ऊपर से पढ़ो, तुमने क्या हवाला रखा है वो देखो ना, मैं तुमने क्या रखा देखो ना, तुम जो हवाला ये मेरे पास आ गई है किससुल अकाबिर, आपने भेज दिया, मैं आपको भेज रहा हूँ हाफिज साहब। हाँ एक हवा ये जो हवाला मैं आपको भेजूँ, आप मुझे उन्हें भेज, ठीक है, देखते हैं उनका। हाँ इनको भेज दो, इनको अली असगर को भेज दो आप, मैं भेज रहा हूँ आप हजरत, आपको देखें आप व्हाट्सएप ओपन करें आप। हाँ चले चलो, काबी देखो यहाँ देखो ये जो हाईलाइट किया गया है, तो ये कहाँ से लिखा है हजरत, इसमें क्या लिखा, अज इफादात हजरत जी, इसमें क्या लिखा है, किससुल अकाबिर अज इफादात जी, और जरा इसको अमरुल साहब को समझा दें कि इफादात से क्या मुराद है। क्या मुसन्निफ है, नहीं नहीं चले, हाँ चलो खैर, उनको भी पता नहीं है इफादात से मतलब क्या है, चलो पढ़ो। हेलो हाँ क्या पढ़ तो दिया, क्या पढ़ू, पढ़ो ऊपर से पढ़ो, ऊपर से इबारत लिखी है वहां पे, उनसे फरमाया शेख से, तुमने कहीं और से पढ़ी थी, तुमने जहाँ से हाईलाइट थी मैंने वहां से पढ़ी थी, हजरत थानवी का कॉल है, तुम पहले साबित करो, तो किसका है ये, तुम पढ़ो ना, साबित करो ना, तुम मैं पढ़ूंगा तो बोलो, तुम जो बोल रहे हो, उनसे फरमाया कि शेख से शिगाल बयानी का जिक्र भी पूछा है, उनसे शाह साहब से पूछा, फरमाया इस्माइल की शोखी मालूम होती है, शिगाल तो गिदड़ कू कहते हैं, पर एक साहब नियते बहुत पूछा करते थे, उनसे कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, तुमने जो एतराज पेश किया, तुमने क्या समझा इससे, क्या मारा, ये शेख साहब का वाकया बयान कर रहे हैं, किसी का कौल नकल कर रहे हैं। हाँ तो शेख साहब कौन से शेख साहब हैं, किसी का कौल नकल कर रहे हैं। हाँ तो कौन से शेख साहब हैं बताओ ना यार, शेख से ऊपर से फरमाया, शेख से शिगाल बयाबानी का जिक्र भी पूछा है, उसने शाह साहब से पूछा, फरमाया उस इस्माइल की शोखी, ये शेख शेख कौन से हैं, कौन से शेख हैं, इस्माइल की शोखी मालूम होती है, तो ये इस्माइल कौन है, तो गिदड़ को कहते हैं, ठीक है, इस्माइल कौन है, इस्माइल कौन है, आप बताओ, जिनका कौल नकल कर रहा है, कोई शेख का कौल नकल कर, हवाला भेजा भेजा नहीं पहले वाला, तुमने कुछ सब तुम्हारी जो गुफ्तगू है, तुमने बयान फरमाया तो सब मौजूद है वहां, उन्होंने जब नकल किया, जब उन्होंने नकल किया तो वो तो इससे मुतमईन है ना, खामोश रहो मेरी बारी है, खामोश रहो, वो तो इससे मुतमईन है ना, रुको रुको एक सेकंड हजरत को बोलने दो, आप बोले हजरत, मैं हवाला भेज रहा हूँ, उनको जरा भेज दे, हवाला दे रहा हूँ, आप उनको भेज दें, देखा अभी धज्जे देखे उनकी किताब है, ये तंबीहात है, तंबीहात
بطور تحقیقات جلد اول ٹھیک ہے مفتی عبد المجید خان سعید اس کو تم غیر مت حضرت نے میری باری ہے دیکھیں سامین میں نے بولا جو اپنے بارے میں بولنا ہے سامین میں نے کی ہے تنبیہات بجواب تحقیقات مفتی عبد المجید خان سعید میں نے کچھ پڑھا نہیں عبارت بول رہا ہے تم بھاگ رہے ہو عبارت کیا پڑھ رہا ہوں سنو صحیح نا ڈر کیوں رہے ہو اپنی کتاب سے اس میں صفحہ نمبر 400 میں لکھا ہے خاموش رہو تمہاری اوقات نہیں کیوں فون کرتے ہو سامنے یہاں لکھا ہے اگر کسی کا قول نقل کر دینے سے ناقل کا قائل ہونا لازم ہو تو علامہ پر ہاروی نے عبارت شرح عقائد الحق کو انا یہ پڑھا ہے انہوں نے کہ تحت بھی یہ نقل کیا جائے تو پتہ چلا یہاں پہ ناقل کے ناقل پر کوئی الزام نہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ناقل کسی کا قول نقل کرتا ہے اس پر اعتراض ٹھیک ہے تو یہ سب سے خاموش رہو سب سے پہلے اس نے یہ جو یہ اصول اپنے دھرم کے اصول کے خلاف ہے کہ ناقل پر جو حکم لگانے کی کوشش کی ہے اس نے ٹھیک ہے سامعین خاموش رہو اور اعتراض کیا اس نے حوالہ دے رہا ہوں میں تو دیکھو نا ابھی بھی علی اصغر ہے سامعین دیکھو یہ جو ناقل ہیں اشرف علی خان اپنی یہ تو اس سے مطمئن ہے نا اپنے بارے میں بولنا اپنی بارے یہ تو اس سے مطمئن ہے نا میرا وقت مت لو اپنے بارے میں وہ اس سے مطمئن ہے میں بولاؤں گا تمہاری دیکھنا بھی خاموش رہو تمہاری کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین ٹھیک ہے مولانا محمد انس قادری رضا قادری تم ایک جواب دو گے سب سے پہلے مجھے جب تمہاری باری ہے کہ تم نے جو اعتراض کیا ہے اس کا ہمارے کسی اکابر نے علماء نے جواب دیا ایک منٹ بھی چلانا شروع کر دیا تم نے یہ تمہاری کتاب ہے صفحہ نمبر 36 میں لکھ رہا ہے مقدمہ میں کہ ہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا دیوبندی اور وہابی مولوی اپنے بڑے مولویوں کا مواد کاپی کر کے کتاب لکھے تو اس کا جواب نہ دی جائے کیونکہ اس طرح کے مولویوں کا جواب دینا اپنا وقت ضائع کرنا ہے حضرت نے حوالہ دے دیا آپ کو اس کو بھیج دیا آپ دو منٹ بولو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو تم نے کہا کہ یہاں ناقل ہیں اشرف علی تھانوی اور قائل جو ہیں وہ اسماعیل صاحب جو ہیں ٹھیک ہے نا جواب دو نا یار ہاں یا نا میں جواب دوں گا مجھے خاموش کرنا پڑے گا مجھے ارے تو ہاں یا نا میں اپنے بارے میں بولوں گا خاموش رہو میں تمہارے بارے میں بالکل نہیں بولوں گا تم میری بارے میں بالکل مت بولنا ٹھیک ہے تم نے کہا یہاں جو ناقل ہیں وہ اشرف علی تھانوی ہیں ٹھیک ہے نا تو جبکہ وہ اس بات سے جو ہے مطمئن ہے پوری طرح سے ٹھیک ہے نا تو اب فتویٰ جو ہے وہ ناقل پر بھی آ گا ناقل اگر مطمئن ہوتا ہے ٹھیک ہے قائل کی بات سے تو فتویٰ جو ہے وہ ناقل پر بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں جو دعا بتائی ہے انہوں نے اسماعیل صاحب نے تو اس سے وہ جو ہیں پوری طرح سے مطمئن ہیں ٹھیک ہے تو اب جو فتویٰ جو ہے ان پر بھی آ گا اشرف علی ثانوی پر ہیلو بولتے جاؤ حضرت ٹائم دیکھا حضرت ٹائم دیکھ لیں کاٹ دیا کون کاٹ دیا سب لائن پہ ہیلو ارے کہیں باہر آ جاؤ بڑی ویسے آواز آ رہی ہے کہیں باہر آ جاؤ نا تمہاری کان کی سماعت سب ہو چکی ہے چلو بکواس کرنے لگا جی بول رہا ہے تمہارا حضرت ٹائم دیکھنا اس کو دھجے اڑاؤں گا میں ابھی کچھ ہے نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے جی بالکل وہ تو ان کی آواز سے ہی معلوم ہو رہا
देखो खामोश हो गए दो मिनट देख ले चले शुरू तो बोलो ना यार, मैंने मैंने जो था मुख्तसर कर दिया, अब तुम बोलो। आओ तो बोलो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ है नहीं तुम्हारे पास? कुछ नहीं इनके पास, हवाला कुछ नहीं तुम्हारे पास। चले आप शुरू करें हाफिज साहब, आपका वक्त शुरू होगा। चलो ठीक है, मेरा वक्त दो मिनट देना। देखे कहा कि उन्होंने नकल कर दिया और कहा, इसलिए उनकी जिम्मेदारी एतराज बनता है। मैंने महफूज का हवाला भेज दिया मैंने, अगर नाकिल पर, नाकिल पर तुम एतराज, तुम्हारा वसूल है कि नाकिल पर एतराज नहीं है, तुम्हारी किताब से मैंने साबित किया और तुमने कहा कि एतराज कर सकते हैं, तो तुम्हारा महफूज है, तुम्हारा मुस्तफा रजा कादरी अपने बाप की महफूज लिख रहा है कि कृष्ण कन्हैया एक वक्त में कई सौ जगह हाजिर हो जाता था, मौजूद होता था। हाजिर नाजिर होना किसकी शान है? अब देखो मौजू बदल दिया, मौजू बदल दिया, मतलब मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखो मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, इसने जो है मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, शर्त तोड़ दिया। हवाला दे रहा हूँ, क्यों दिया? नहीं मैंने शर्त रख के इसने तोड़ दी, वो मैंने मैंने शर्त रख के इसने तोड़ दी। मैंने क्यों दिया? पहले ये बात ये देखो, अभी तो दूसरी बार अभी पेश करने लगा, उस पर बात नहीं करने की हिम्मत ही नहीं है, बोल देने दे रहा है, उस पर बात करने की इसकी हिम्मत ही नहीं है। अरे मैं उसी कर रहा हूँ, रुकना शर्त तोड़ दी अपनी बारी बोलना, अपनी बारी में करना, मैं हवाला दे रहा हूँ, बारिश इधर उधर तुम भाग के रहो। और एक हवाला दे, जब तुमने शर्त तोड़ दी तो बात खत्म हो गई। सर तोड़ी नहीं, अपनी बारी में बोलना, उसी पे आ रहा हूँ मैं, खामोश रहो तुम, मैंने भेजा है तज़किरा ग़ौसा, ठीक है नहीं, इस पे फिर कभी बात करना चला है। तुम्हारा तुम्हारी धज्जी उड़ाऊं मैं, तर्जुमा किया, तर्जुमे पे इतराज़ कर रहा हूं ना, तर्जुमा में खामोश रहो, अपनी बारी में बोलोगे, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, मैंने शर्त अपनी बारी में जो है अपनी बारी में बोल, उसका भी लिहाज नहीं रखा, अपनी बारी में बोल। सामीन देखें, ये इतराज़ कर रहा है नाकिल के ऊपर, इसने हवाला अभी तक नहीं दिया कि हजरत ने तो उसको तस्लीम किया है, तस्लीम किया तो मैं अभी तक धज्जी उड़ा रहा हूं, खामोश रहो। अभी तुम्हारी किताब है तज़किरा ग़ौसिया, उसमें हजरत ने आपको भेज दिया। देखो ये हरकत करेगा बंदा यार, मैं फोन काट दूंगा यार। अरे अमीरुल साहब इतनी जल्दी दम तोड़ रहे तू? अमीरुल नहीं तो इधर उधर की बात क्यों कर रहा है? तर्जुमा में बात कर, तर्जुमा में बात कर रहा हूँ। कौन सा तर्जुमा? हाँ इधर, फिर खामोश रहना तू मरदूद, खामोश रहना, तुम उतारे थे ऊपर है मरना, ये पानी पानी की गहराई देखते नहीं, नंगा हो जाता है पहले से, मरने से पहले भूत हो रहा है तू। अब देखो है ये गाली गलौज करने लगा, अरे गाली दे रहा हूं मैं, तेरी औकात में बोल रहा हूं, तेरी बारी में बोल रहा हूं, तू क्यों तब मेरी बारी में बोल रहा है? मेरा वक्त जाए क्यों कर रहा है तू? नहीं मैंने शर्त रखी थी, उसका भी इसने लिहाज नहीं करा, नहीं सब उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, बात खत्म हो गई ना, नहीं खत्म नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, भाग मत। तुम्हारी किताब है, इसमें लिखा, इसमें लिखा है कि लो सुन लो, माना ये है, क्या कह रहे हैं कि शाह मंसूर वाले को फलानों फलानों ने दार पर खींच दिया था, उन्होंने उसी आमंत बिल्ला का माना जाहिर कर दिए थे। लो सुनो, माना ये है, आमंत बिल्ला ही अल्लाह मियाँ के एक बिल्ला था, मलाइकती ही और मलाई खा जाता था, वो कुतुब ही उसके पीछे कुत्ते लगा दिए और उस पर क़यामत आ गई, वल क़द्र खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला, और अपने किए की सजा को पहुंच गया। ये ईमानी कलमा है, ये आमंत बिल्ला ही और मलाइकती ही, ईमान मेरे पास भेज, हजरत भेज भेज दिया, मैं पहले ही अभी तो बोल रहा था हमारी किताब नहीं है, अभी बोल रहा है भेज मेरे पास, पहली पहली बात तो है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं, और दूसरी बात किताब नहीं है, मैं साबित करूंगा तेरी किताब है। नहीं अभी जो तूने पढ़ा अभी उसका ही जवाब दे रहा है। हाँ आमन तर्जुमों पर मैंने सबसे पहली बात एकदम हवाला तुमको ये दिया, मैंने तुमको हवाला मैंने ये दिया, हुसामुल हरम मुखालिफी वो लिख रहा है, किसी किसी इबारत और किताब का अगर बड़ों ने जवाब दे दिया है, कोई छोटा आकर के इतराज है तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, ये वक्त का जाया। बड़े ने जवाब दिया क्या? फिर बड़े ने जवाब दिया क्या? तो तू जवाब पूछेगा ना, दिया कि नहीं दिया? इससे पहले मैंने जवाब दिया है, इससे पहले मैंने कोई जवाब दिया है, और तुमको मानता है मुनाजिर, तू हमको मुनाजिर है, तेरे मुदस्सिर ने मुनाजिर माना है, तेरा साहिर ने मुनाजिर माना है, मुझे तेरा मुफ्ती मुतुर रहमान ने मुझे मुनाजिर माना है, दलील दूं? मुनाजिर माना है,
समझे कि नहीं, वो भेज दिया है फिर दोबारा आकर के तू उसी पर बात कर रहा है। देखो देखो भेज नहीं रहा जी, भेज नहीं रहा, नहीं भेजेगा। अरे मैंने इनको कब को ही भेज दिया हाफिज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। दजिए उड़ेगी उसकी, देखना अभी तू साबित करेगा तेरी किताब नहीं है, मैं साबित करूँ तेरी किताब है, तो तेरी बारे में साबित कर, मैं मेरी बारे में साबित करूँ तेरी किताब है, आ जा बेटा मैदान में। जिस वक्त आपने इरसाल किया था मैंने उसी वक्त इरसाल कर दिया। हेलो एक मिनट पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मुँह पे भी कर ले, वो तर्जुमा मुँह पे कर देना मकतब में पढ़ाने का, और तेरे मुसल्ले को पढ़ाने का जहाँ इमामत कर रहा है तू। तुम्हारी किताब में ही है, हमारे पर इतराज करते हो, अपनी गंध नहीं देखते। अरे तो पढ़ने तो दे यार। सबसे सबसे आसान इतराज है, भुगतना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, इतराज करके भागना बहुत मुश्किल है, कर ले इतराज जितना चाहे। यार इससे कहो ये खामोश बैठे, मैं पढ़ ले आऊं, ये बीच में ना बोले ठीक है ना। नहीं पढ़ तो सही, तज़किरे गौसिया मलफूजा हजरत गौस अली शाह करंदर कादरी मुरतबा जिसने किया हजरत मौलाना गुल हसन शाह कादरी, दोनों काफिर कह दे तू। वहां हजरत ने किसी का कौल नकल किया है उस पर इतराज करता है तू, और यहाँ ईमानी कलिमात है, ईमानियात है, उसका तर्जुमा में गलत किया है, वो तुम्हारे यहाँ कुफ्र नजर नहीं आता। चल चल क्या हुआ अमीरुल, ओ अमीरुल साहब बेहोश हो गए क्या? होश गुम हो गया क्या? कल ठिकाने पे आए। अरे पढ़ू क्या मैं? देखो सामीन, एतराज करने आया था कुसूसुल अकाबीर पर, कुसूसुल अकाबीर रफाए हाजत ने कुसूसुल कहा था, और ये कह रहा है किससुल, ठीक है पता नहीं दोनों में झूठा कौन है, ये भी पूछूंगा तो सवाल जवाब दे नहीं पाएगा। हालांकि वसूल ये है कि कसस कहानी और किस्सों पर कोई एतराज नहीं होता, रसाइल डाइजेस्ट और भाग गया हाफिज साहब, वो तो भाग गया माशाल्लाह। पढ़ रहा है मैं भी, पढ़ता हूँ और देख लिया कि वो तो उनका ईमान याद पर ही जो है ये क्या चलाया, गोली चला दिया, तकफीरी मशीन जो उसी पर चला दिया, ईमानियत पर हमला हजरत। जी बिल्कुल बिल्कुल, अस्तगफुरुल्लाह माशाल्लाह। हैं बिल्कुल बिल्कुल, इसने मुझे फोन किया था, खुद बेचारा जलील हो गया, जलील हो गया, बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ क्या हुआ, तो कम से कम बोल के जाना चाहिए कि मुझे पढ़ने नहीं आता या हमारे यहाँ तो ईमानियत पर हमला किया गया है। अरे फौरन ये हमारा जमाल किताब तो दलील देना चाहिए ना उसको, हमारी किताब नहीं है, मैं साबित करूंगा ये किताब उसकी है। जी बिल्कुल तो? नहीं उसकी तो बिल्कुल फिट्टी पिट्टी जाम हो गया, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, हकल रहा था वो तो आपके सामने। वो बोलते बोलते एक आधा सेकंड आधी मिनट भी नहीं बोला उसने आधा, और बोल रहा है मेरा हो गया अब तू बोल। हाँ इसका मुताला नहीं है, असल ये जान रहा कि मेरा मुताला बरेलियत पर नहीं था, बस मैंने इसको हदीस में ही पढ़ा दिया था। हाँ उसे करने गए इनको छोड़े, ये तो बेचारा बहुत जलील हो गया, दजिया उड़ गई उसकी, भागा फोन काट के, रात भर नींद नहीं आएगी इसको। इसलिए बोलता हूँ ना इन खबीसों की जो है हरकत पता है मुझे। जी जजाकल्लाह हजरत, ठीक है।